We are here because for the last 25 years, we have seen the complete subversion of justice, in the sense that after such a crime, not against a masjid, but against the very constitution of India, you have a government which has just openly declared their intent to build the mandir. And till now, for 25 years, those responsible have not been punished. Babri Masjid ke vidvans ka kaand koi property dispute nahi hai. Wo koi aisi baat nahi hai ki wo Ram Lala mein aur kisi masjid mein property ki dispute hai. Ye bilkul hi galat baat hai. Supreme Court ko bhi ise is roop mein nahi treat karna chahiye. Balki wo us masjid ka vidvans karke भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने चाहा इस बात को कहने का कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, इस देश से हम मुसलमानों की जो नामो निशान है उसको मिटाएंगे। मस्जिद को उन्होंने मुसलमानों की निशानी के रूप में देखा और कहा कि आज अयोध्या और बाद में काशी मथुरा बाकी है इत्यादि। आज तो वो ताजमहल तक पर आ गए। अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक हिंदुत्ववादी संघी भीड़ ने किया तो संघी भीड़ आज रोज कहीं अफजल को, कहीं अखलाक को, कहीं जुनैद को, कहीं पहलू खान को, कहीं उमर को, कहीं जफर खान को, किसी न किसी की हत्या बार बार किए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के न्याय की लड़ाई ये कोई इतिहास के किसी टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं है, ये हमारे बीते हुए कल की लड़ाई नहीं है, आने वाले कल कैसे होगा उसके लिए लड़ाई है ये हमारी। और आने वाले दिनों में भी अगर बाबरी मस्जिद को जस्टिस नहीं मिलता है, उसके गिराए जाने को, और उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ और उससे पहले जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, कॉम्युनल इंसिडेंट्स हिंदुस्तान में हुए, चाहे वो मेरठ का मलवाना का इंसिडेंट हो, भागलपुर का इंसिडेंट हो, साल 2002 का गुजरात का इंसिडेंट हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स से आती हैं। हम का मतलब क्या होता है? हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब जुड़ते हैं तभी हम बनता है, तभी भारत बनता है, तभी हिंदुस्तान बनता है। अगर इस दोनों को अलग करना चाहोगे तो ये देश बचेगा नहीं। आज के दिन न्याय नहीं मिलेगी देश को, और उन लोगों को और बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाले के ऊपर जो कार्रवाई नहीं होगी, ये हमारी आंदोलन और हमारे जन आंदोलन सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए ये जारी रहेगी। इट वॉज 25 ईयर्स अगो ऑन दिस डे दैट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या वॉज डिमोलिश्ड। इवन दो द इंसिडेंट टुक प्लेस टू डेकेड्स अगो, द मेमोरी ऑफ इट इज स्टिल अलाइव इन पीपल्स माइंड्स। एंड टुडे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस दिल्ली हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट टू टेक अ स्टैंड in defense of secularism and to mark that unfaithful day.